आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है सितारों की माया 2014। और आचार्य जी ने हमको बताया आज उन तीन राशियों के बारे में जिनके बारे में मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगी, कन्या, सिंह और कर्क, ये तीन ऐसी राशियां जिनके बारे में आचार्य ने अभी आपको बताया। और साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल है आप हमें फोन कर सकते हैं, फोन लाइन हमारी खुली है। यहाँ पर आचार्य जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने बताया राजनीति के हिसाब से कि आने वाला साल कैसा रहेगा, अगर हम भारत की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की कितनी पहचान बनेगी? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख बढ़ेगी, थोड़ा सा विदेशों यानी कि पड़ोसियों से तनाव हो सकता है, और तनाव तो किसी वक्त तो ऐसा लगेगा ये कहीं बदतर ना हो जाए, मगर सब प्रकार से शांति रहेगी। और आपको एक और हैरानी की बात बताता हूं, पाकिस्तान से आने वाले समय में अगर मेरे पास जो जन्म कुंडली है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से संबंध मधुर होंगे और घनिष्ठ होंगे जी। और यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अगर हम बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की तो वो कितनी मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी की यहाँ पे बात करते हैं तो महंगाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे राशि कोई भी हो, लेकिन महंगाई का बोझ हर एक के ऊपर आता है। 5.6% हमारी व्यापार में प्रगति होगी, इससे ऊपर हम नहीं जा पाएंगे जी। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है कितनी मजबूत हो पाएगी? देखिए, मई जून तक अर्थव्यवस्था में रुपया नीचे रहेगा, और जैसे ही जून निकलेगा आप देखेंगे हमारी रुपए की कीमत स्थिरता की ओर बढ़नी शुरू हो जाएगी जी। और यहाँ पर गुरुजी हम जानना चाहेंगे, हम राशियों की बात कर रहे हैं, 6 राशियों की बात अब तक हम कर चुके हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपसे पहले भी चर्चा हुई कि हर जो राशि होती है वो हर व्यक्ति की होती है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव हर एक के ऊपर अलग अलग पड़ता है, तो ये जानना चाहेंगे कि कितना अलग प्रभाव होता है और वजह क्या होती है? देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो राशि है, राशि का मतलब होता है पैदा होते समय चंद्रमा जिस राशि पर होता है उसे हम राशि कह देते हैं। अगर पैदा होते समय आकाश में भचक्र में 360 डिग्री है, उसको 12 भागों में विभक्त किया हुआ, 30-30 अंश के ऊपर एक एक राशि को हम मान लेते हैं। और अगर उस 30 डिग्री में हम ये देख लेते हैं हमारा चंद्रमा किस माइलस्टोन पे है, वही राशि हमारी होती है, फिर 30 को 2.25 के हिसाब से विभक्त करते हैं, फिर हम देखते हैं किस नक्षत्र पे होती है। याद रखें, जो लोग अपना भविष्य जानना चाहते हैं राशि के साथ, जब भी किसी ज्योतिषी के पास जाएं अपने नक्षत्र का ज्ञान जरूर करें, और जब भी कभी आप बात करें तो राशि के साथ अपना नक्षत्र बताएं, तो आपके भाग्य का कथन बहुत आसान हो जाएगा और राशियों का और नक्षत्र का निश्चित तौर पर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है जी। गुरु जी, अभी तक हम 6 राशियों की बात कर चुके हैं, और सभी के साथ कहते हैं कि एक धन जो होता है अपने आप में बहुत बड़ा कॉज होता है, किसी भी वजह के लिए पैसा है तो आपके पास मानसिक शांति, घर की शांति, सब कुछ रहता है, तो ये जानना चाहेंगे ऐसा कौन सा उपाय किया जाए या ऐसा कौन सा गुरु मंत्र है जो तमाम राशि वाले कर सकते हैं धन अर्जन के लिए? देखिए, याद रखें, धन का मतलब होता है लक्ष्मी, धन का मतलब होता है स्त्री जाति, धन का मतलब होता है गाय, धन का मतलब होता है वो चीजें जो लक्ष्मी कारक है। गाय की सेवा करिए, तुलसी को घर में लगाइए, ईशान कोण में लड्डू को गोपाल स्थापित करें, और शाम के समय तुलसी पर दिया जलाएं, 3 रोटियां बना लें, एक गाय को, एक कुत्ते को और एक कौए के लिए रख दें, कौए की रोटी पर मीठा लगा दें, धन आना शुरू हो जाएगा। जो कुत्ते की रोटी है वो आपको निरोगी काया देगी, और अगर गाय का पालन करते हैं, गौमूत्र का घर में छिड़काव करते हैं, गाय को हरी घास खिलाते हैं, तो धन के बहुत योग होते हैं। शादीशुदा है तो पत्नी को अपमानित न करें, अगर पत्नी है तो पति को अपमानित न करें, तो दोनों एक दूसरे को प्रेम भाव से रहें और वो उसको इस समझ के पूछें, तो देखें घर में पैसा कैसे नहीं आता जी। गुरु जी, अक्सर ये होता है जब भी कोई विवाद होता है परिवार में तो वो सीधा जमीन जायदाद को लेकर होता है, न्यायालय तक पहुंच जाता है, न्यायालय में अगर किसी को केस जीतना हो तो उसके लिए क्या करना? न्यायालय के लिए तो बहुत उपाय होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे उपाय हैं, अगर सही समय हो, सही टाइम पता लग जाए कि कितने बजे और कितने बजे आपको न्यायालय में उपस्थित होना, मात्र उपाय करने से आपको एकदम रिलीफ आ जाएगा। वैसे जर्नल, अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला,
एक दिन पहले नदी में प्रवाहित करें तो कोर्ट कचहरियों से आराम मिलना शुरू होगा। जी, और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, हरीश है दिल्ली से। हरीश जी स्वागत है आपका, सवाल बताइए प्लीज। जी मेरा 2014 कैसा रहेगा? 2014 कैसा रहेगा जी? अभी तक कैसा है? अभी तक परेशान चल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, जॉब अच्छी नहीं मिल रही अभी तक तो। तुम ये, मैं तो जहां तक समझ पा रहा हूँ, अभी तक तो ना तुम्हें दिन का चैन है रात का चैन है, कामयाबी तुमसे बहुत दूर है। तुम अंदाजा लगा के सपने लेते हो, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, और ठीक हो ही नहीं रहा। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर बस एक ही रास्ता है, पिता की सेवा कर, माँ की सेवा कर, और वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करके पीपल पर जल चढ़ाना शुरू कर दे, फिर देख कैसे लाभ आता। जी, और कोई सवाल है हरीश जी आपका? नहीं नहीं बस। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला जो साल है वो मंगलमय रहेगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। यहाँ पे आचार्य जी बात करें, जैसे इन्होंने पूछा कि नौकरी के हिसाब से, नौकरी के लिए क्या किया जाए ऐसा कि नौकरी मन चाही लगे, क्योंकि नौकरी हर कोई करता है लेकिन मन किसी का नहीं लगता। मैं एक आपको बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ, मुझे सिख संप्रदाय में जी भिखारियों को ढूंढ के दिखाओ, सड़कों पर सिख संप्रदाय के लोग भीख मांगते हुए नहीं मिलेंगे। जी जी जी, ज्यादातर नहीं मिलेंगे, ढूंढ लो जी। कोई ना कोई काम कर रहे थे, उसके पीछे राज क्या है? उसके पीछे राज है अन्न दान करना। जी 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 जी, जितना अन्न दान आप करोगे, कौए को मीठी रोटी लगाकर दान करो, रोजगार मिलता है, धन मिलता है, सुख समृद्धि आती है। कुत्ते को रोटी खिलाओ, निरोगी काया होती है। गाय की सेवा करो, गाय के पास रहो, गौमूत्र को घर पे छिड़को और गौमूत्र का शुक्रवार को सेवन करो। शुक्रवार के दिन ही कर्ड राइस जी आप अपने घर की बेट को दो, या मंदिर में जाके जो यंग लेडीज हैं उनको आप दान करो, देखिए घर में दौलत आनी शुरू हो जाती है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर है, संजीव शर्मा है दिल्ली से। संजीव जी आपका सवाल बताइए प्लीज। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे बारे में बताएं, कुंभ राशि है तो कैसा रहेगा? जल्दबाज आदमी हो? हा? मुझे एक चीज बताइए, जल्दबाजी करते हो? हा। तो फिर जल्दबाजी करते हो, कोई काम करने से पहले सोचते नहीं और सोचते हो मैं फटाफट कर लूं? अच्छा, सिर्फ एक काम करना बेटा, भगवान का नाम लेते चले जाओ और सुबह उठ के 7 प्रकार के अनाज लेके आपने पेड़ पर चढ़ाने हैं, और उसके बाद पीपल पर जल चढ़ाओ, घर में कामयाबी शुरू हो जाएगी। जी, और आचार्य जी हमारे पास वक्त इतना ही है, लेकिन आपने इतनी जानकारी दी और इतनी उपयोगी उपाय बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं जो हमारे दर्शकों ने आचार्य जी के उपाय सुने हैं, अगर वो करेंगे तो उनके जीवन की समस्याएं दूर होंगी और 2014 जैसा वो चाहते हैं वैसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी कोशिश आपको भी करनी होगी। फिलहाल आपका आने वाला समय मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।